चलो आ जाए, थोड़ी देर बैठ के अखबार यहीं पढ़ते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी से टाउन हॉल में आकर अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे? आज तो काफी भीड़ भाड़ लग रही है। चलो उधर देखता हूँ। भाई साहब बैठ जाओ बैठने के लिए। अरे हाँ यार, आज तो यार विश्व कठपुतली दिवस है, शायद न्यूज पर जाई होगी स्पेशल। अरे वाह यार, विश्व कठपुतली दिवस आज, खबर तो आई यार। पढ़ते हैं बेचारे क्या हाल हो रहे हैं, देखे कठपुतली के थिएटर वाले वैसे ही परेशान हैं। अरे गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते। क्या बात है सर, क्या हाल चाल है? क्या पढ़ रहे सर? आज मैं विश्व कठपुतली दिवस के बारे में अचानक नजर पड़ी और कठपुतली कलाकारों के और कठपुतली क्या हालत है उसके बारे में बड़ा दर्द भरी खबर छपी है सर। क्या लुप्त हो रही है कला? लुप्त की खबर तो ये कह रही है कि साहब बागौर की हवेली में करीब 25 लाख रुपए खर्च करके जो वर्कशॉप करके जो कठपुतलियां रखी गई थी उनको जो है शिल्पग्राम में पटक दी गई है। किसी के हाथ पैर टूट, देखिए सर किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी क्या हो रहा है। एक राजस्थान की पुरानी पुरातन एक कला शैली है कठपुतली, और एक जमाना था साहब देवीलाजी सांवर साहब के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर कठपुतलियों का डंका सांवर साहब ने के मार्फत और बुखारेस्ट में 1965 के अंदर यहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने जो डंका बजाया। और अब आज इनकी हालत देखते हुए सर बहुत दुख जी। और गोविंद जी से आपकी जानकारी में मैं भी चूंकि छोटा सा कलाकार हूँ, मैं गौरी को 2007 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड जम्बूरी में लंदन में गौरी खेल के आया हूँ। तो कलाकारों का दर्द छुपा नहीं है सर, और हम जैसे कलाकारों को जो है सर चांस नहीं मिलता है, सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। और इन कठपुतली वालों की अगर बात करें तो बेचारे यार कितनी परेशानी होकर गरीबी से हालत से निपट कर भी इस कला का संरक्षण कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और एक ज़माना था जब सरकार इस पर पूरा ध्यान देती थी, और आज सिर्फ सर सिंपली रह गए। खाली कभी कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है तो भाई लोग शादी में बुलाते हैं या बड़ी होटल में कभी मौका देते हैं, और वो भी नाम मात्र के पैसा देते हैं। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में तो साहब कलाकार अपनी कला बेचता है सर, अंगुली पर नचाता है, लेकिन इसका श्रेय कोई दूसरे ले आते हैं, कोई उनको मौका ही नहीं मिलता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से ये परंपरा सर लुप्त हो जाएगी ऐसा देखने में आ रहा है। कठपुतली के हाथ पैर मुंह सब बंधा हुआ है, क्या कलाकार भी ऐसे किसी का अधीन है? कलाकार सर आप मुझे पूरी सच्चाई खुलवा रहे हो। हकीकत में देखा जाए तो सर कलाकार जिस प्रकार कठपुतली होती है उस पर कलाकारों के भी हाथ और पैर बंधे हुए सर। जो हमारे जैसे संस्था होती है उनके जो संयोजक होते हैं मालिक होते हैं सर, नाम उनका होता है। जैसे कई बड़े बड़े कठपुतली के नाटक होते हैं तो जो उसके राइटर होते हैं वो उसका श्रेय ले जाते हैं, और बेचारे कलाकार तो है वहाँ का भी रहता है। मुझे नहीं आ रहा कुछ आज तक उदयपुर के अंदर इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं कठपुतली के सर। मेरे ख्याल से शायद ही अगर किसी से आप पूछें तो कोई नाम बता पाएगा, बेचारे वो आते हैं और अपने विलुप्त हो जाते हैं। नाट्य कलाकार को एक बच्चे कभी आई है तो बने क्या, आपको कभी देखा है? सर नाट्य कलाकार फिर वाली बात है सर, कलाकार हमारे उसकी अपनी कला के लिए जिंदा रहता है। हालांकि ये बात राइट है कि अब जो शिक्षा का दौर आया है, और अगर आप नाटकों की और इसके कलाकार की होते हैं इसमें भी सर हमारे जैसे गौरी की बात है तो वो भी सर हमारे तक ही सीमित हो गई है। आने वाले बच्चे सर इसमें पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मुझे अभी तक कोई याद तो नहीं आ रहा कि जो वही कोई बड़ा कलाकार बना हुआ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कला की परख सर अब आजकल मोदी जी ने की। आज हमारे भैरविया कलाकार आपने नाम सुना हो, जानकी लाल जी, आज उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है, और इससे हम लोगों कलाकार को थोड़ी सी एक थोड़ा मिलता है कि साहस मिलता है कि चलो हम लोग कला का संरक्षण करें। हाँ ये जरूर है कि सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारे जो कलाकार हैं उनको
और उस ध्यान दिया कर किनारे जो पॉपेट बजाते हैं, किनारे दुमदुमी बजाते हैं, इन कलाकारों की हालत कैसी है आज सर? हालत सर बहुत गंभीर है, और बेचारे जो सिर्फ कुछ विरले रह गए सर, ज्यादातर कला जो विलुप्त होती जा रही है। जो पुराने जमाने राजा महाराज सर इनको सम्मान देते थे, उसके बाद वाली सरकारों ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इन कलाकारों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कला जो है अब इसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा। और आने वाली पीढ़ी सर, वो लोग हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़े अफसर बने, और कला को सर धीरे धीरे सर ठीक है, अब जो हम लोग पुरानी पीढ़ी है वो जरूर जरूर चला रहे, लेकिन अब अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कलाएँ विलुप्त हो जा रही, बच्चों को सिर्फ अब किताबों में रह जाएगी कि कठपुतलियाँ होती थी। अखबार में अक्सर क्या पढ़ना पसंद करते हो? अखबार में तो अब आप सर क्या अखबार खोल उठे, सब कुछ अच्छी चीज़ें होती है, बहुत अच्छी चीज़ें कम होती है, इसमें आप देख लीजिए सब पूरा विज्ञापन ही छाया हुआ है। अखबार में देखो सर हर तरह का मैटर है, जिस आदमी को जो पसंद है सब, किन लोगों को अपराध पसंद है वो पेज 3 पढ़ेंगे साहब। आप सर देखिए अगर अखबार की बात करें तो मैं तो चूंकि कलाकार हूँ, तो मेरी तो पूरी निगाह सीधी डायरेक्ट कला पे पड़ती है, और क्या मुझे मिल सकता, खोजी हम लोग हैं, हमसे इनसे ही हमको आइडिया मिलते हैं थिएटर के नाटकों के, तो मैं तो सर वो खबरें पढ़ता हूँ, और कला से रिलेटेड चीज सर पहले देखता हूँ, उसके बाद संपादकीय पढ़ता हूँ, उसके बाद देश भर की न्यूज पढ़ता हूँ। आपने कौन कौन से अभी तक रोल किए हैं आप कलाकार? सर मैंने थिएटर में प्रफुल्ल ग्रुप का मैं मेंबर रहा हूँ, तो उसमें मैंने चंद्रास नाटक किया जो भारत रंग महोत्सव तक गए, उसके बाद त्रासदी पश्चिम पूर्व की है मैंने, उसके बाद पाथल पिथल प्ले किया है, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला सर मैं वीरपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्काउट टीचर की हिस्से से मैं खुद प्ले लिखता हूँ, मैंने अभी तक 20-25 प्ले लिखे हैं, और ग्रामीण नुक्कड़ नाटक के साथ रंगमंच पे मैंने वहाँ पे प्ले किए हैं, उससे मैंने कई तरह के रोल किए हैं। उसके बाद भगवान की तरह मुझे फिल्मों में मौका मिला है, मैंने धमाल में संजय के साथ मेरी फाइट सीन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे पंडित की एंट्री मिली हिना खान के साथ, अमित जी के साथ मुझे भी उदयपुर के कलाकार को लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि बिग बी अमित जी के साथ मुझे 2007 में उनका गार्ड बनने का मौका मिला, और उसके बाद महाराणा प्रताप बनी प्रदीप सर ने उससे मुझे आमेर का राजा बनने का मौका मिला है। मेरी मुझे 2007 में सर यूरोप जाने का मौका मिला। कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए गोविंद जी, आप चैनल वाले मैं कहना चाहूँ सभी दोस्तों को जो भी आप चैनल देखेंगे, सपने हमको बड़े देखने चाहिए, अगर आपने सपने बड़े देखे हैं और आप दृढ़ संकल्प से अगर काम करेंगे तो आपको भगवान ईश्वर जरूर साथ देगा। मैं बड़े सपने देखता था, मेरे गरीब मम्मी और पापा दोनों बिलाड़ा में मजदूरी करते थे, तो मेरी माँ से सवाल किया बेटा मम्मी की अपनी हालत ऐसी की, बोला हम पढ़े लिखे नहीं है, तो मैंने कहा मम्मी क्या होती है पढ़ाई, बोले कि पढ़ने जाना पड़ता 16 पास करनी थी, मैंने उसी दिन कसम खाई कि मम्मी अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको इस दुनिया में ले जाऊंगा और एम ए करके दिखाऊंगा, और आप ताजू करोगे मैं जब तक एम ए की तब तक कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोले आपके रजिस्टर है, मैंने कहा प्रभु फिल्में देखता था, मैंने कहा एक बार मुझे भी स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले, तो मुझे स्विट्जरलैंड जाने का गौरी के खेल में मैं स्काउट टीचर बना, और स्काउट टीचर बनने के बाद मुझे गौरी के खेल करने लगा, तो उन्हीं के बाद मुझे महाराणा प्रताप बनने का एक बार अवसर मिल गया, और जयपुर रैली में मुझे फिर कलकत्ता में जब महाराणा प्रताप बना तो हमारे दिल्ली से अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही महाराणा प्रताप की एक्टिंग देखी तो बोला कि यार देन आई एम सेलेक्ट फॉर लंदन वर्ल्ड जमहूरी, और मुझे 20 दिन यूरोप जाने का मौका मिला, और मुझे बोला आपको महाराणा प्रताप बनता है, और मैंने गवड़ी खेला हूँ वहाँ पे, अगर आप कहें तो मैं एक लाइन बोलूँ बोली कालू कीर और एक अम्मा माता का हमारा एक बहुत अच्छा इसमें खेल है, जब अम्मा माता का रात की जड़ी हार पानी में गिर जाता तो वो कालू कीर को पुकारती है, इन कालून कीरा रे भाई मारा, अरे मारा नवलक हार जागर मान डूबो रे दी तंग 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 बेतंग दे, और कालू कीर कहता है जब उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले इंदी बिना मारी, अरे मारे पगा पर ये ने लांबे वीडियो रे दी तंग 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 बेतंग बे। सर मैं सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा आदिवासी बच्चों के साथ रहा मैं 25 साल, मैं वैसे मूल रूप से हल्का हूँ लेकिन बच्चों के साथ रहते थे सर, बच्चों के नाटक कराते करते थे, एक दिन बच्चा नहीं आया तो बच्चों ने बोला कि सर आप ही बन जाओ, तो मेरा भी अंदर एक कलाकार जाग गया था, आप सब जानते हो गोविंद जी।
हर आदमी स्कूल में हीरो बनना चाहता है। मैं भी जब इलेवंथ पढ़ता था मैं भी हीरो बनना चाहता था। सपने में मैं राजेश खन्ना के साथ चाय पी के आया और स्विट्जरलैंड की हरी मतलब बर्फीली वादी में मेरा सपने देखा। कलाकारों को दुख होते कलाकारों को सपने देखना चाहिए और सपने देखे तो आप मुझे मौका मिला अमित जी के साथ गार्ड बनाऊँ और स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला मेरे को। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान घूम लिया स्काउटिंग के माध्यम से और आज मेरे ख्याल से मैं भाग्यशाली हूँ। सभी मेरे भाई लोग भी देख रहे हैं और आप गुण जी आपका भी धन्यवाद है कि आप इस चैनल पे मुझे आप मौका दे रहे हो। मेरे ख्याल से ये अपने आप में कला को समर्पित बात है। आप भी कला के समर्पित हो और हम जो छोटे कलाकार हाँ ये बताए थे हम धरती के कलाकारों को कोई पूछता नहीं सर। जिसके जेह होता बड़े बड़े अगर मैं किसी अफसर का लड़का होता या किसी नेता का लड़का होता तो आज मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में मुझे कंधे पे लेकर लोग घूम लेते। मैं मामूली आदमी हूँ गाँव का वड़ा का आदमी हूँ लेकिन मैं आपको धन्यवाद हूँ कि आपने कम से कम मुझे मौका दिया। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चों को सपने बड़े देखना चाहिए और अगर आपका इरादे बुलंद है तो भगवान आपकी मदद के लिए तैयार है। और गौरी के कलाकारों के लिए क्या सर मैं एक और कहना चाह रहा हूँ आपके गौरी की जो है जिस प्रकार कालबेलिया नृत्य को गुलाबों ने पूरे दुनिया के अंदर फैलाया यूनेस्को साइन और आज हर होटल के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो मेरी ये आज हार्दिक इच्छा है सर आप अगर पहुँचा सके तो मोदी जी तक बात पहुँचाए और इस गौरी नृत्य को यूनेस्को के अंदर शामिल करें तो हमारे मेवाड़ के हजारों लाखों हमारे जो कलाकार है सर और जो भील कलाकार है मीणा कलाकार है उनको भी सर रोजगार मिले और इसका इसको मौका मिले सर। बहुत बहुत सोलका जी धन्यवाद आपने बहुत अच्छी कला दिखाई हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत आभार और मैं आपसे फिर एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार हम छोटे से कलाकार को आप मौका दे रहे हो हमारे हजारों लोग कलाकार फैले हुए सर उनको आप पहचाने सर उनको मौका दे और बहुत धन्यवाद सर।